नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2021 के लिए कौन सा स्टेट अच्छा हो सकता है, कौन सा स्टेट सेफ हो सकता है, जहां पे कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, कहां से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेट आपके लिए सेफ होगा, कट ऑफ कहाँ कम जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर के तो कट ऑफ को देख ही लीजिए। मैंने यहाँ पे 3 साल का 2018, 2019, 2020 का कट ऑफ को यहाँ रखा हुआ है, जिसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं अपना सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोग को जो मेंटली हो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कीजिएगा तो आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप आसानी से एग्जाम दे पाएंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोविड का सिचुएशन खराब था और काफ़ी बच्चे एग्जाम भी नहीं दे पाए थे। तो अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो अभी से ही टिकट बुक कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी से ही आपके पास टिकट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए कि आप कैसे जा सकेंगे उस स्टेट में। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये तो हो गया होम स्टेट। अगर आप होम स्टेट नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम कट ऑफ कहाँ गया था 2020 में, देखिए बिहार का भी अच्छा कट ऑफ है, 48 नंबर, कोई ज़्यादा नहीं होता है। महाराष्ट्र का भी ठीक ठाक कट ऑफ है, छत्तीसगढ़ का देखिए केवल 44 नंबर कट ऑफ है, तो छत्तीसगढ़ भी अच्छा जोन है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा देखेंगे तो 61, जो कि ज़्यादा है पीओ के हिसाब से। झारखंड देखिए 55, तो वह यहाँ ज़्यादा कट ऑफ है, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना चाहिए तो सबसे अच्छा स्टेट जो मुझे लगता है, अभी यहाँ देखिए दोस्तों कट ऑफ यहाँ लास्ट ईयर ज़्यादा गया था, बट यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है। यहाँ पे इस बार मैं बता देता हूँ कि फॉर्म भी ज़्यादा गिरने वाले हैं, बट ये पीओ का फॉर्म है। पीओ के फॉर्म में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं। तो पीओ के लिए 773 सीट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में अप्लाई कीजिए। ऐसे मुझे लगता है कि बिहार का कट ऑफ भी कम जा सकता है इस बार भी, ठीक है ना। बिहार का भी कट ऑफ मुझे कम जा सकता लगता है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ हरियाणा और मध्य प्रदेश से भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप दूसरे नंबर पर अप्लाई करते हैं तो गुजरात से अप्लाई कीजिए, इस बार गुजरात का कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है ना। इस बार 95 सीट है गुजरात में, जनरल कैटेगरी का सीट मैंने रखा हुआ है और मुझे लगता है कि गुजरात का कट ऑफ कम जा सकता है। अगर तीसरे नंबर पे आपको कोई स्टेट चुनना है तो यूपी तो चुन सकते हैं, यूपी अच्छा स्टेट है। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपी में दिल्ली के बच्चे अप्लाई करेंगे, हरियाणा के बच्चे अप्लाई करेंगे, झारखंड के बच्चे अप्लाई करेंगे, बिहार के बच्चे आ जाएंगे और यूपी में बहुत सारे स्टेट, एमपी के बच्चे भी आ सकते हैं यूपी में। तो यूपी में बहुत सारे स्टेट के बच्चे आ सकते हैं, कहीं ना कहीं सेफ है। क्योंकि मेंस सिलेक्शन तो आपका मेंस के बेसिस पे होना है, अगर आप प्रीलिम्स के बेसिस पे जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको अगर जॉब लेना तो मेंस का तैयारी कीजिए, तभी आपका जॉब हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, तो मेंस के हिसाब से अगर आप सोचे तो यूपी में भी जा सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के हिसाब से छोटे सोच रहे हैं ना तो छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है, इन तीनों स्टेट में से किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर दीजिए, आपका कट ऑफ कम जा सकता है। यूपी तो बहुत अच्छा स्टेट अभी इस माना जा रहा है इसमें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 773 वैकेंसी मुझे लगता है कि 2016 के आसपास निकला था, तो इस बार वैकेंसी दोस्तों बहुत अच्छा आ गया है। तो आप मेरे हिसाब से यूपी के बच्चे यूपी में रह जाए, और अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो गुजरात में चले जाइए। महाराष्ट्र में भी जा सकते हैं, पर महाराष्ट्र से मुझे सेफ लगता है इस बार गुजरात है, गुजरात में चले जाइए, नहीं तो फिर बिहार में चले जाइए, नहीं तो तीसरे नंबर पे जाना है तो छत्तीसगढ़ में चले जाइए। तो इन तीनों स्टेट में से कहीं भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा किसी को कुछ जानना होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।